अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरहत। के साथ आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सैंडविचेस, वेजिटेबल सैंडविचेस। ये मैंने लिए हैं पोटैटो मैश्ड हुए, वो उनके मैंने कटलेट्स बनाए, उसमें कॉर्न ऐड किया है, चिकन ऐड किया है, और ये मैंने ऊपर थोड़े से जो है बैगन के पीस स्लाइस करके रखे, इन्हें हम फ्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमने जो है वो टोमेटो केचप लिया है, और ये चिली गार्लिक सॉस लिया है, और चिली सॉस लिया है, ठीक है। और एक अदद अंडा लिया है, पहले मैं इन कबाबों को तलूंगी। चार अदद ब्रेड के स्लाइस लिए और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। ये तो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इसके साथ जो है अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। रेसिपीज पसंद आती हैं तो थम्स अप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैंने बटर लगा के इसे ग्रीस कर लिया है। सैंडविच मेकर को अब मैं इसे गर्म कर लूँगी, और अब हम चलते हैं अपने, पहले हम अपने कटलेट्स तलते हैं। ये मैं अंडे को अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। अंडे को फेंटने के बाद हम इसमें कबाब एक वन बाय वन डिप करते जाएंगे और तलते जाएंगे। तो बैगन है, ये भी हमने इसके साथ ही फ्राई कर लिए जी। अब सैंडविच बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने सबसे पहले जो है मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस लगाऊंगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मैं इसको पूरा फैला दूंगी। इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी, टोमेटो केचप, इसको मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला दूंगी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो है ये कैप्सिकम इस तरह से, शिमला मिर्च, और ये थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर कबाब रखेंगे। हमने ये कबाब रख लिया, ये जो हमने बैगन फ्राई किए थे ये बैगन इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और इस तरह से एक और कबाब लेंगे और वो इस पर प्लेन इस ब्रेड पर रख देंगे। इसको पूरी अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे, मिला के इन दोनों सैंडविच को डबल करके हम इसे सैंडविच मेकर में रख देंगे। यहाँ से अब इसमें ज़रा सा चिली सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, तकरीबन हाफ टी स्पून, इस तरह से सैंडविच मेकर में रख दिया। अब इन्हें हम तकरीबन 2 मिनट तक के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें सैंडविचेस बनाएंगे जी। मज़ेदार से सैंडविचेस तैयार हैं, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको चाहे डिश आउट करती हूँ जी। मज़ेदार से सैंडविच रेडी है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो थम्स अप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें पोटैटो है, कॉर्न है, बैगन है, कैप्सिकम है, और मैंने इसमें रेड चिली फ्लैक्स यानी कि कुटी हुई मिर्चें, और थोड़ी सी काली मिर्चें, और सॉल्ट, इन सबको जो मैंने उन कबाबों में मिलाया था। रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो थम्स अप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।